नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए शातिर लुटेरों को भारी अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर SP शामली डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को बताया कि जनपद शामली के थाना झिंझाना पुलिस उप निरीक्षक दिनेश कुमार ने सोमवार देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर ऊन चौसाना रोड पर शमशान घाट के निकट शातिर बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध हथियारों के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपनी गिरोह से लोगों को अपना निशाना बनाकर लूटते हैं। इससे पहले भी लुटेरे बदमाशों ने लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं SP शामली ने लूट गिरोह को पकड़ने वाले पुलिस पार्टी को पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें लूट करने में चार आदमी शामिल थे। एक आदमी इसमें सूचना देता था, जिसने हमें सूचना दी थी। प्लानिंग करने वाले सर कोई और ही होंगे जिन्होंने प्लान बनाया होगा, लेकिन मुझे तो उस बारे में बताया था। इस आदमी से पैसे छीन लिए, हमने चार आदमी ने छीन लिए। पहले गए थे लेकिन सर उसमें इन्वॉल्व तो नहीं थे। लूट की है सर, इसमें तो की है। कारण सर आप कुछ भी मान लो, बस दिमाग में फितूर था। कर्जा नहीं है जी, नहीं लवर के चक्कर में, यही अपने शौक के चक्कर में। जो एजेंट था उसकी उससे छीन लिया। शौक तो वैसे बीड़ी सिगरेट करो, मैं यही शौक से, बस वैसे लवर के चक्कर में। शादी के इतिहास है और साथ में जो ज़्यादातर इसमें अभियुक्त हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंटर कॉलेज वगैरह में 12th क्लास में है, और बाकी इसमें अभी जाँच की जाए। ये लूट का मामला इनमें दर्ज है। लूट गैंग लीडर कौन बताया जा रहा है? इसमें जो योजना बनाई गई थी ये अमित के द्वारा बनाई गई थी, और मुख्य रूप से जो मुख्य अभियुक्त हैं अमित और विकास।